गुड्स मार्केट एक्बियम सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट सो स्टूडेंट्स हम गुड्स मार्केट के एक्म को विद द हेल्प ऑफ दिस एकब्रियम कंडीशन कि जब सेविंग डिजायर्ड सेविंग डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है तो गुड्स मार्केट क्लियर हो जाती है तो so, आज हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एक्लिब्रियम को अफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली एनी फैक्टर दैट विल अफेक्ट द सेविंग कर आर एनी फैक्टर दैट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट कर वो इस एक्म को इन्फ्लुएंस करेंगे तो सेविंग कर्व्स किन चीज़ों से इफेक्ट होगा सेविंग कर्व जब हम ड्रा करते हैं तो हम सेविंग का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप उसमें शो करते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा बाकी फैक्टर्स जो सेविंग को अफेक्ट करते हैं वो उस कर्व की शिफ्टिंग का सबब बनेंगे इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेज हैं वो आप सेविंग कर्व के अलॉन्ग आप मूव करते हैं उसके नतीजे में और इंटरेस्ट रेट के अलावा अगर कोई और फैक्टर चेंज होता है फॉर एग्जांपल कौन कौन से फैक्टर करंट आउट आउटपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आउटपुट इंक्रीज होगी तो उससे सेविंग आपकी चेंज हो जाएगी सेविंग बढ़ जाएगी आउटपुट के बढ़ने से इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन और सेविंग दोनों बढ़ते हैं तो ये सेविंग कर्व को शिफ्ट करने का सबब बनेगा सिमिलरली अगर फ्यूचर आउटपुट इंक्रीज हो जाती है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर आउटपुट बढ़ जाएगी तो उससे सेविंग कम हो जाती है ओके सो so, ये भी सेविंग कर्व को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देगा वेल्थ अगर इंक्रीज हो जाती है तो हम जानते हैं कि वेल्थ के इंक्रीज होने से कंजम्पशन बढ़ जाएगी और सेविंग कम हो जाएगी तो ये भी सेविंग कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा गवर्मेंट परचेजेस अगर बढ़ जाएंगी तो नेशनल सेविंग जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि नेशनल सेविंग को कैसे डिटरमिन किया है टोटल आउटपुट माइनस डिज़ायर्ड कंजम्पशन माइनस गवर्मेंट स्पेंडिंग टैक्सेस का भी सेविंग कर को अफेक्ट करेगा टैक्सेस में चेंजेस भी सेविंग टैक्सेस अगर कम हो जाएंगे तो उसके नतीजे में कंजम्पशन बढ़ जाएगी और सेविंग कम हो जाएगी लेकिन इस समन में हम पढ़ चुके हैं रिकॉर्डियन एक प्रोपोजिशन अगर वो होल्ड करेगी फिर टैक्सेस में कोई भी तब्दीली जो है वो सेविंग को अफेक्ट नहीं करेगी कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करेगी लेकिन अगर वो होल्ड नहीं करती और हम जानते हैं कि एम्पेरिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं एविडेंस है, है जिससे पता चलता है कि वो होल्ड नहीं करती पीपल्स उतने फारसाइटेड नहीं हैं जितने उसमें अज्यूम किया गया है और इसी तरह के और फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे समटाइम्स कंस्ट्रेंट्स बजट कंस्ट्रेंट्स बॉरिंग कंस्ट्रेंट जो है वो बाइंडिंग हो जाती है तो बहरहाल अगर वो प्रोपोजिशन होल्ड नहीं करेगी तो उस टैक्सेस में तब्दीली भी सेविंग कर्व को शिफ्ट करेगी सो so, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज देरी रैन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज तो ये फिर सेविंग कर्व को किस तरह से सेविंग इससे कम हो जाएगी तो सेविंग कर्व आपका लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिनली आपके पास एसमंद था गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज होने से डिजायर्ड नेशनल सेविंग कम होगी और ये सेविंग कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया इनिशियली एक्लिबियम इकोनमी व दिबनियम एट पॉइंट ई गुड्स मार्केट यहाँ क्लियर हो रही है सिक्स परसेंट इंटरेस्ट रेट है और इस पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इन द गुड्स मार्केट इज़ इक्वल लेकिन सेविंग कर्व के शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हो रहा है और एकबियम वैल्यूज़ ऑफ़ सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इन दोनों में कमी आ रही इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होने से इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो रही है ये तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होने से यूज़र कॉस्ट में इजाफ़ा हो जाता है और उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और इसी तरह जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनक्रीज़ होने की वजह से सेविंग कम हुई थी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वो पार्शियली ऑफसेट हो जाएगी सेविंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन वो पार्शियली ऑफसेट होगी कम्प्लीटली ऑफसेट नहीं होगी इससे ओवरऑल सेविंग भी कम होगी है और जो है इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और सेकंड हम केस देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट कर जाता है इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे शिफ्ट करेगा इफ़ देर इज़ अ फॉल इन द इफेक्टिव टैक्स रेट उसमें इफेक्टिव टैक्स रेट में अगर कमी आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट कर्व आपका राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और इसी तरह से इफ़ देर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सो ये वो चीज़ें हैं जिनके नतीजे में आपका इन्वेस्टमेंट कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा और इसके नतीजे में क्या होगा इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर्व आई वन था एक पॉइंट ई था और इन्वेस्टमेंट कर मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज़ होने से या किसी और फैक्टर से इन्वेस्टमेंट अपवर्ड शिफ्ट हो गया नए लिबरीम पॉइंट जी इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया और एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग में भी इजाफा हो गया सो so, अगर हम इसको मार्केट के साथ स्टॉक मार्केट के साथ अगर हम देखना चाहें लिंक करना चाहें तो हम जानते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में चेंजेज़ आती हैं फ्लक्चुएशन आती हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमी के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं स्टॉक प्राइसेस में जब शार्प चेंजेस आती हैं तो ये आपके कंजम्पशन को भी इफेक्ट करती हैं और ये आपकी इन्वेस्टमेंट को भी इफेक्ट करती हैं कंजम्पशन को इफेक्ट कैसे करती हैं स्टॉक मार्केट में इजाफा हो जाता है अगर तेज़ी आती है तो ये थ्रू वेल्थ इफेक्ट आपकी कंजम्पशन को और आपकी सेविंग को चेंज करेगी और इसी तरह से स्टॉक मार्केट में जब तेज़ी आती है तो हमने इन्वेस्टमेंट की क्यू थ्री क्यू थ्योरी जो है टॉबंस की वो हमने डिस्कस की है कि उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है तो इस तरह से स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन हैं वो आपकी इकॉनमी के इन डिफरेंट वेरिएबल्स को इन्फ्लुंस करते हैं थैंक यू